लाइव चालू कर रहा हूँ मगर इनसे क्लियर बातचीत क्लियर होना चाहिए लाइव में जाना है। एक्चुअल हम आज हमारे आपको हमारे गांव के एक सीनियर हैं, ठीक है, और हम आपका रेस्पेक्ट भी करते हैं। विश्वकर्म में कौन सी भी कम्युनिटी गंदे एकदम शांति में संभल के चलने का काम आप भी करें हम भी करें, लेकिन जो MLA बसुआ कल्याण के जो शरण सुलहर MLA है, कल उन्होंने प्रेस मीट के अंदर एक बात बताया, क्या बात बताया, वो पूरा प्रेस मीट का आंसर बसुआ कल्याण के लोगों को हम देंगे, लेकिन उस प्रेस मीट में एक बात निकाले, मैं पूरी बसुआ कल्याण जनता को हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ। मैं आज हमारे सीनियर माइनॉरिटी के लीडर अमीर सेठ के पास आए सो हूँ। मैं इसलिए आए सो हूँ क्योंकि बसुआ कल्याण के जो MLA हैं उन्होंने बताया जो टाउन प्लानिंग का लेआउट, टाउन प्लानिंग बसुआ कल्याण का जो बसुआ कल्याण, आप भी ले ना आपका वीडियो में आप आओ ना, सब आओ ले नहीं आओ ले मेरा बाइट लो मैं दूंगा ना। आप मीडिया में सबका डालते हमारा भी बताओ ना, सबका आप मीडिया में बोलते MLA का बोलते सबका नाम लेते, अरे हम भी एक MLA है दो बार यहाँ से हम भी जीते सो है, कोई उल्टा पुल्टा पैसे दे के नहीं जीते, हम लोगों को हाथ जोड़ के सेवा करने के लिए जीते सो लोग हैं हम भी। देखिए मैं लाइव आने का कारण एक ही है, उन्होंने बताया टाउन प्लानिंग बसुआ कल्याण में एक लेआउट बनना है, तो पहले के जो MLA थे वो MLA का नाम नहीं लिए, लेकिन पहले का MLA बोले तो मैं हूँ जिंदा, एक तो MLA हमको छोड़ के गए और एक MLA सीनियर गई, उनका आज हमको दुख है उनके एक्सीडेंट हुए सो हैं, और एक तो उनके साथ BJP में थे बच्चों सो मैं एक हूँ। तो मैंने आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए कि पहले के MLA के घर को जाके बोलने के बाद पैसे का बातचीत होने के बाद वो लेआउट बनते था बोल के बोले, ये बात उनको कौन बोले, बोले तो हमारे अमीर सेठ और सरदार खान साहब बोले, ऑलरेडी बैट में बोले सो है अमीर सेठ गवाह है, अमीर सेठ गवाह है, सरदार खान साहब है बोले। तो मैं एक मिनट भाई साहब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कब आए थे मेरे घर को, कौन सी सर्वे नंबर के लिए आए थे, क्योंकि मैं जब MLA था लोगों को मालूम गंदे हाथ जोड़ के मैं बता रहा बसुआ कल्याण की जनता को, मैं जब MLA था बसुआ कल्याण में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जो आज आसिफ हाजी जो BDA के अध्यक्ष हैं पहले के, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस टाउन प्लानिंग के अध्यक्ष, मैं सिटी के आदमी को अध्यक्ष बनाया था, मैंने जब मेरे पीरियड में टाउन प्लानिंग के अध्यक्ष जिसको भी बनाया था, मेरे पीरियड फर्स्ट पीरियड में मैं सिटी से आदमी को एक बसुआ कल्याण में माइनॉरिटी के आदमी को मैं जब
टाउन प्लानिंग का अध्यक्ष बनाया था, सेकेंड टाइम पे जो हमारी बातचीत हो गई, सेकेंड टाइम पे जो बातचीत होने के बाद बसवा कल्याण में गवर्नमेंट था, बसवा कल्याण में हुकूमत जनता दल की, आओ सब, बसवा कल्याण में जनता दल की हुकूमत था, जनता दल की हुकूमत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में टाउन प्लानिंग का चेयरमैन आसिफ हाजी थे, जो आज शरणु सरगर के साथ में जो घूमते उन्होंने उस दिन अध्यक्ष थे, मैं नहीं था, उनको जो बनाए थे नारायण गांव बनाए थे, इन्होंने स्टेटमेंट में ये बताए, मैं भी गांव का, इन भी गांव के सरदार खान साहब भी गांव के, इन भी गांव के, मैं ही तो छोटा था, जब से साइकिल मारने वक्त से मैं इन लोगों को मेरे भाइयों का दृष्टि से मैंने देखते आए सो इस गांव में, और इनके पिताजी भी मेरे को कहीं गलती हुई जब समझाते थे, सरदार खान साहब भी मेरे बसवा कल्याण में, उन्होंने भी चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी बसवा कल्याण के लिए सोशल वर्क के लिए सबको साथ दिए सो उन्होंने भी हैं। लेकिन जब टाउन प्लानिंग का इश्यू आया, खूबा साहब के घर को आके जो खूबा साहब बोल के नाम नहीं लिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पहले के एमएलए बोले, पहले के एमएलए बोलने के बाद बच्चों एक तो एमएलए छोड़ को गए, अट्टू साहब तो है नहीं, मोड़े साहब तो वही पार्टी में हैं, बाकी के तो ऊपर हैं, आज तो धरती पे नहीं है, अब बच्चे सो मई आरोप तो मेरे ऊपर कर गए एमएलए, उन्होंने बोलते खूबा साहब नाम नहीं लिए बगैर पहले के एमएलए को मिलने के बाद लेआउट होता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनको पहले के एमएलए का बाबा का ऑफिस नहीं था, जब तुम एमएलए बने दो साल तक आंखें क्यों बंद करने को बैठे भाई, पुराना इंक्वायरी करना था, दो साल तक चुप क्यों बैठे, जब अमीर सेठ तुमको बोले ऐसा चलता था, सरदार खान साहब इन्हों बोल गए, सरदार खान साहब बोले, कौन बोल गए, अमीर सेठ बोल गए, ऐसा खूबा साहब के घर को जाके बातचीत लेना देना, पहले के एमएलए के होने के बाद लेआउट बनते थे, टाउन प्लानिंग का मेरा बाप का है, मेरा अधिकार है टाउन प्लानिंग में, कोई अधिकार हमारा है नहीं बसवा कल्याण में, जब इन चुप क्यों बैठे, जब ऐसा चला था कुछ तो गलत हुआ था, तो दो साल से तो उन्होंने एमएलए हैं, आज भी उन्होंने एमएलए हैं, पूरा जब से आजादी हो गया बसवा कल्याण में ये देश का, जब से पूरा इंक्वायरी करो, पूरा इंक्वायरी होंगे, अब जो एमएलए शरणु सरगर बनने के बाद, अब उनका मिसेस तहसीलदार बनने के बाद, और एमएलए नारायण राव बनने के बाद बसवा कल्याण में 800 एकड़ एन हो गए, कितना एकड़ हो गए, सिटी और रूरल मिला के 800 एकड़ हो गए, 2 लाख रुपए लिए एक एकड़ को लेआउट को, चलो बसवा कल्याण की जनता को फोन करो, कौन कौन 2 लाख रुपए लेके लेआउट सेंक्शन करे, वो हम नहीं करे, उनकी आदमी लेके करे, किसको दिए इंक्वायरी होंगे, तो 16 करोड़ रुपये होते, ये आरोप मैं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोले गए हमारे घर को है, तो मैं हमारे गांव के सीनियर हैं, तो मैं उनको पूछा, अभी हम मेरी दावत में मिले थे, जब मीडिया के अंदर आ गई है कि पहले के एमएलए, अगर पहले के एमएलए तो गांव के थे भाई, एक बार गांव में इंक्वायरी होंगे, तो मैं अमीर सेठ को पूछा, साहब आपने एमएलए जी को जाके पहले के एमएलए ऐसे करते थे क्या, आप बोले थे क्या, बोले तो इन्होंने बोले मैं नहीं बोला, सरदार खान साहब बोले, वीडियो में है नहीं ना, मैं नहीं, आप पूछो ना उनको, आप पूछो, नहीं शरणु सलगर क्या बोले, आप देखो तुम मेरे घर को आए थे क्या, लेवट के लिए काम ही नहीं करा था आज तक, फिर उन्होंने बता गई, मैं आज तक लेवट का काम नहीं, शरणु सलगर तुम्हारा नाम लिया गया, तुम बोल रहे सरदार खान साहब बोले, आप पूछो सरदार खान साहब को कब बोले, मैं उन्हों कब मिले रिवॉर्ड के लिए, क्लियर करो ना ये बोले तो, नहीं तो हम बदनाम हो गए, सुबह हमको बीजेपी वाले क्या ले बोले तो भी हम नहीं लिए बसवा कल्याण में, आप क्लियर करो, हम ये चाहते कि शरणु सलगर साहब बोले, चलो शरणु सलगर के पास चलते, एमएलए हमारे गाँव के, बोले उसके अंदर है सर, पूरा है उसके अंदर, आप बोले बोलते उन्हों, अरे तुम बोल रहे सरदार खान साहब बोले, सरदार खान साहब यहीं से पूछो, कौन बोले, क्लियर करो ना, कौन बोले, तो एमएलए बोले था ना, तो एमएलए तुम्हारा नाम बोला गया, लगाओ उनको फोन, कैसे लगाओ, अरे फोन में बात करो ना, क्लियर करो,
अब तुम ही बोले, सरदार खान साहब बोले, अब खान साहब आपको उन्होंने बोले, तुम बोले बोलते आपके लिए करो उनको दिले कौन देते उन्होंने बोले गए तुम बोले मैं तुम मेरे घर को आए थे कौन से लेवट के लिए बसों कल्याण में मैं एमएलए गए जो इतने पैसे ले करो बोलते कौन सा सर्वे नंबर का आए थे मेरे हाथ में सरकार था क्या 2013 में मैं एमएलए बना 2013 में एमएलए बनने के बाद 18 तक आप आए थे क्या मेरे घर को बोला असल में क्या है शर्नू सलगर साहब का जो स्टेटमेंट है ये मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट हुआ जो परसों एक्चुअल क्या है ये ईद का जो इशू था जी जो ईद के इशू के अंदर जो एमएलए का जो स्टैंड रहा शर्नू सलगर का जो स्टैंड रहा वो कल्याणी के मुसलमानों को पसंद आया ना हिंदुओं को पसंद आया जिस तरीके से क्या है उन्होंने घर जाकर जिस तरीके से औरतों बच्चों को धमकाया अंदर आने के बारे में क्या है मैं अंदर आता हूँ बल्कि क्या है जो बाहर से क्या है गेट को जो पुश किया ये किसी हिंदू मुस्लिम को किसी को पसंद नहीं आया ठीक है। अब रहा सवाल क्या है जो नेक्स्ट जो मीडिया के सामने जो आपने स्टेटमेंट दिया कि क्या है अमीर सेठ की दुकान में क्या है मैं बैठा था और जो है सरदार खान क्या है वहाँ पर आए आके क्या है वो ये बोले कि क्या है पीछे के एमएलए क्या है परमिशन लिए बगैर कोई काम करने नहीं देते थे ये ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन बात क्या हुई मैं आपके सामने क्लियर करूँगा ठीक है। जब अमीर सेठ के पास क्या है एमएलए शर्नू सलगर बैठे थे इत्तेफाक से मैं पहुंचा ठीक है बैठे बैठ के बात करे फिर टॉपिक चली कि क्या है फिर शर्नू सलगर जी आपने घर बनाया क्या बसों कल्याण में तो बोले कि नहीं बनाया तो अरे आप 2 साल हो गए एमएलए बन के बसों कल्याण में घर नहीं बने पूरा क्या है आपको भी बनाना चाहिए आप बसों कल्याण में शिफ्ट होना चाहिए इस तरीके की बात चलते रही जनरल बात चलते रही। तो उसी दौरान में क्या है बात ये हुई कि क्या है शर्नू सलगर जी बसों कल्याण के अंदर सब एमएलए क्या है प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ क्या है अपने रखते हैं और जो है आप प्रॉपर्टी क्या है नहीं रखे नहीं बने 2 साल से क्या है आप एमएलए हैं आप भी घर बनाओ यहीं पर क्या है पूरी अवाम को पूरी जनता को आपकी जरूरत है राउंड द क्लॉक 24 आवर्स क्या है आप लोगों के बीच में रहेंगे इस तरीके से जनरल बात हुई। लेकिन उसको क्या है ये अपना जो है ये जो जिस तरीके से क्या है मीडिया के सामने पीछे के एमएलए परमिशन लेना है परमिशन लिए बगैर कोई लेआउट नहीं कर सकते थे ये सब बातें क्या है शर्नू सलगर के गलत है। उनका आरोप ये भी है कि उन्होंने सीधा कहा है कि पहले के जो एमएलए थे जो पहले के जो भी लीडर्स थे वो उनसे बगैर कुछ रिश्वत लिए के बगैर अब जो काम हो रहा है बगैर रिश्वत के काम हो रहा है रिश्वत की बात कही उन्होंने बगैर पैसे लिए के क्या है काम कर रहा हूँ मैं और अब जब से है बगैर पैसे के काम हो रहा है इस तरह से कहना भी है। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या है शर्नू सलगर से क्या है ये अपील या रिक्वेस्ट नहीं बल्कि बाय प्रेशर ये बोलूंगा कि देखो आप बसों कल्याण के अंदर जो काम किए हैं ये आप हिंदू मुस्लिम को पहले सॉरी बोलो उसके बाद क्या है मीडिया के सामने बैठकर क्या है जो भी बातें कर रहे हैं इतना पीसफुल तरीके से वही पीसफुल क्या है उसी वक्त ईद के दिन अगर करते तो सब लोग क्या है मालूम है मिल के क्या है जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और आप बात ये किए कि आकड़ो गाय 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 गाँव गाँव बेवकूफ पने की बातें हो गई जबकि क्या है जबकि वो आकड़ों की नहीं वेटरनरी डॉक्टर क्या है पूरा डिक्लेयर कर दिया उसी वक्त क्या है गाय नहीं थी फिर भी क्या है आप बात बोले जा रहे हैं गाय 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 ये बिल्कुल गलत है। आप पूरे बसों कल्याण के हिंदू मुसलमानों को पहले सॉरी बोलिए और जो है कि इस तरीके से हिंदू मुसलमानों में ये प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए आप एमएलए हैं और जो है कि आप डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दीजिए मेरा यही कहना है और आपको क्या है बोल रहा हूँ।